जलनगाम का यूथ जो है वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको सपोर्ट करें। सड़क पे तो मुश्किल दिन गई ठीक है आप सब ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। जनाब आज हम अपने पंचायत के लिए एक और नया वीडियो लाएंगे आपके लिए। तो जो मैंने बहुत महीनों से कहा था कि यहाँ पे हमें सफाई के लिए मुलाजिम दो चाहिए थे, तो पहले हमने यहाँ पे अपने हलके में मुलाजिम दो लगाए थे सफाई के लिए, लेकिन उन्होंने ये समझो कि बर्दाश्त नहीं किया यहाँ पे सफाई करना, तो फिर वो चले गए और उनको यहाँ पे मतलब तनख्वाह नहीं दिया। हमने 2-3 महीने उनको तनख्वाह दी यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे दूसरे गांवों से अब्दुल सलाम शेख और जावेद अहमद शेख जो वही बूमडरा में रहते हैं, तो उनको यहाँ पे हमने मुलाजिम लगाए। तो इंशाल्लाह इसीलिए ये जो यहाँ पे हम डस्टबिन अभी आप लोगों को दिखाएंगे, तो आज हम डस्टबिन अपने पंचायत हलके में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो 2 मुलाजिम हैं तो इंशाल्लाह ये बखूबी से अपने फर्ज अंजाम दे देंगे। और हमने इनको लगभग 15 दिन से यहाँ पे मतलब ड्यूटी भी ले ली, तो आज हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ अपने डस्टबिन, तो हम पंचायत में भी सफाई के लिए। तो वो आपने देखा होगा आगे भी कि हम किस तरीके से सफाई के ऊपर यहाँ ध्यान देते थे। तो अब इंशाल्लाह मुलाजिम आ गए, तो आज ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे, चाहे मार्केट में या किसी पंचायत में। लेकिन डस्टबिन हमें कम है, तो हम गुजारिश करते हैं वीडियो साहब से भी और आला हुकाम से भी, आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में हमें और डस्टबिन चाहिए, और जो गाड़ियां हमें सफाई के लिए है वो भी कंटिन्यू रखे। तो इंशाल्लाह हमारे पंचायत में भी सफाई कर्मचारी 2 है इंशाल्लाह। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अब्दुल सलाम साहब यहाँ पे आइए थोड़ा जना, तो ये है अब्दुल सलाम साहब और जावेद साहब है अभी पंचायत में, तो वो इंशाल्लाह वहीं पे है, थोड़ा पंचायत को वो सफाई कर रहा है। तो इंशाल्लाह अभी चलेंगे, आप बने रहना कंटिन्यू, हम पूरा दिखाएंगे आप लोगों को आज ये वीडियो। तो चलो अभी चलते। बिल्कुल जनाब, ये हम आज निकल रहे हैं मार्केट में लगाने के लिए या किसी भी जगह, तो आप ये बिल्कुल देख सकते हो अभी। तो मस्जिद जैसे, तो ये हम मस्जिद शरीफ को यहाँ पे डस्टबिन दे रहे हैं, तो ये भी देख सकते हो वहाँ पर भी हम इंशाल्लाह डस्टबिन लगाने की कोशिश करें। ये देखो ये नाला, तो आप इसको बिल्कुल साफ करेंगे इंशाल्लाह, आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देख सकते हो यहाँ पे किस नाले को। तो ये भी देखो, तो जनाब आप लोग देख सकते हो खुद यहाँ पे कि जो यहाँ पे पॉइंट है, तो हमारे मेन रोड के सामने यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है। तो यहाँ पे आए रोज़ हमारे लोग यानी कि अपने पंचायत के लोग हमें यहाँ पे कितने कूड़ा करकट और डस्टबिन के बदले यहाँ पे इन्होंने इस नाले को डस्टबिन बनाए। तो अब हमें यही गुजारिश है कि जो हमें यहाँ पे इस नाले में जो भी बंदा दिखेगा कूड़ा करकट डालते हुए, तो हम ये डस्टबिन इंशाल्लाह यहाँ पे लगा रहे हैं उनके लिए, तो वो इसी डस्टबिन में डाले। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाजिम है, चाहे ये 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद आ जाएंगे इसको साफ करने के लिए, तब तक इसी में डाले। जो भी हमें यहाँ पे दिखेगा ये मैं आपके जरिए इंशाल्लाह ये मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने पंचायत वासियों को जो भी यहाँ पे रहते हैं, तो उनको यही कि इस नाले में आज के बाद यहाँ पे कूड़ा करकट नहीं दिखना चाहिए। जो भी पकड़ा जाएगा यानी कि यहाँ पे कूड़ा करकट डालते हुए इस नाले में, तो उसके ऊपर FIR भी और जुर्माना भी हम करेंगे। तो ये हम मैसेज देते हैं आगे। सलाम अलैकुम, आज मन तो कज लगन आई सेट मार्केट अस आई ट्राई होता है आई लगन टूर इस मार्केट में जुपले तो एम साइड है हां एम साइड है बिल्कुल जो बोर्ड बुरजे जिम रेट तो चोर मार्क या जे डस्टबिन इंशाल्लाह तो आई करतो मार्केट अस लगानस में कोशिश तो छु कि ये मुलाजिम सवाज यथस अब्दुल सलाम साहब तो या तो यथस योन बेलज से होतस बड आखस तो तो कोता खुश हो बे एम साइड कोता खुश वारिया वारिया मे पानी डस्टबिन तो आरडी चलो शुक्रिया तुम्हें तो यम चीजन कौत खुश हो चलो। यहाँ पे हम डारपुरा में डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे मस्जिद के लिए वो जा रहा है लेके, और ज़ियारत शरीफ को भी यहाँ पे हमने दिया। तो यहाँ पे अभी आप देख सको कितने लोग हैं, इंशाल्लाह करेंगे हम सफाई आगे भी, आप बने रहना। डस्टबिन थोड़ा आज कर शुरुआत ये लगान कल तो तुम कौत सेटिस्फाई छू कौत खुश अगर सफाई रोज मार्केट ठीक है लास्ट में सोमराव तो पे सड़कों पे तरह तो मुश्किल दिन गई ठीक है तो इंशाल्लाह से कोशिश कि अस मुलाजिम वनिस तम बनन कि अस्त लग तो वन यह कि मार्केट से तो इंशाल्लाह इम शॉप कीपर ये तमन गुजारिश करन कि अस दीजो तो इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट इत कते दिवन दिशो तो बाकी कोता गयो तो सेटिस्फाई अगर ठीक ना बाजार साफ सफाई चलो शुक्रिया अस्सलाम किए थे अपने पूरे जलंगाम में, लेकिन हमें काम
मटेरियल आया था, तो हम BDO साहब से भी, जो मैंने पहले बताया कि SDM साहब या तहसीलदार साहब या हमारा DC साहब, इनको मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे गांव में और डस्टबिन फराहम कीजिए और यहाँ पे हम पूरे गांव को और सफाई रखेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें हमें आप ताउन कीजिए। तो चलो अभी हम यहाँ पे जो आसिफ साहब है, तो आसिफ साहब को आज यहाँ पे थोड़ा जानेंगे इनसे कि हमने कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे की और आप कितने खुश हुए। तो आसिफ साहब, आप थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं या भाई है, तो इनको आप अपनी ज़बानी से कुछ कहे कि जो हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की ऑल ओवर, अगर हम यानी कि लाइटों की बात करेंगे या MG नरेगा या कैपेसिटी बजट, तो थोड़ा इनको आप कीजिए आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने हर टाइम पे देखा कि जान साहब, जो आप यहाँ के सरपंच है हमारे गाँव में जलनगाम में, तो आज से बहुत साल पहले जो भी सरपंच थे या पंच थे, कोई भी था, तो हमने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इन 5 सालों में हमने जलनगाम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी है, खासकर जो आपने लाइट्स इंस्टॉल की है, डस्टबिन इंस्टॉल की है या कुछ और भी इंस्टॉल की है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि हमारा यूथ जो है वो गलत कामों में किसी जगह ये इन्वॉल्व हो जाए। आप चाहते हैं कि मतलब हमारा यूथ जो है काम करे, जो एजुकेटेड यूथ जो है, जिनको नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है, जॉब के लिए तरस रहे, ढूंढ रहे हैं, घर में बैठे हुए डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं, तो आप भी तो अल्हम्दुलिल्लाह यूथ, मतलब आप जो है, आप सरपंच जलनगाम के हैं, आप भी एक यूथ कैटेगरी में आते हो, ठीक है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि हमारा यूथ जो है वो किसी जगह भी किसी कोई भी काम करे, चाहे वो एपेक्स हो, चाहे MG नरेगा हो या कुछ और हो, ठीक है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जो भी आपने काम किए, जितने भी आपने डेवलपमेंट यहाँ पे किए, ये लाइट्स इंस्टॉल किए या डस्टबिन इंस्टॉल किए या कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खासकर एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके BDO साहब है, तहसीलदार साहब है, SDM साहब है, तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा यूथ जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो आपको सपोर्ट करे और हम लोग जो है हम आपको सपोर्ट करें, ताकि जो रोटी बनती है ना वो दोनों हाथों से बनती है, वो एक हाथ से नहीं बनती है। आप काम करोगे और हम पीछे हट जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जलनगाम का यूथ जो है वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको सपोर्ट करें, ताकि हमें भी लगे कि नहीं यार, हमारा यूथ जो है या हमारा गाँव जो है वो किसी और जगह, मतलब जगह किसी और जगह में ना जाए, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो फिर से आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आपने जो लाइट्स इंस्टॉल किए या डस्टबिन इंस्टॉल किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। पूरे यूथ की तरफ से आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।